ओम शांति। आज 6 नवंबर 2020 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को स्कॉलरशिप लेनी है, साथ साथ सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहे, तुम बच्चों को बाबा जो ज्ञान सिखाते हैं उस ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देता है। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं, हम आत्माएं परमधाम से आती है, यहां शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है, मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती है, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में बाबा कहे, तुम देह अभिमान के वश हो जाते, इसलिए बाबा को आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं। आत्मा कैसे पाठ बजाती है? मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्म से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है, बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं, कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंदा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझा सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। बाप ने समझाया है, हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं।
नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे, पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो, ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते हैं, ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, न शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं। ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं दो कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे, गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं, उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है, बेहद के बाप को याद करते हो। भक्ति में भी याद किया, तुम मात पिता कहते हो ना, तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे। बाबा कहे तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं, अथाह सुख तुम बच्चों को देता। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसीलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, कलयुगी ब्राह्मण भी है। बाबा कहे कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो, सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगार करने की सर्विस करते। तीन सेवा बाबा हमारी करते हैं। एक तो बाबा बैठकर हमारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगार की सर्विस करते हैं, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, गॉड फादर भी कहते हैं। हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, अंतिम समय त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है।
अब तुम्हारी बुद्धि में है, कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी, यूरोपवासी यादव भी है, बाप ने समझाया है, यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं, पेट से मुसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, यह तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, यह एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप न दे देवे, कि कोई श्राप न देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते। बाबा ने यह भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना चाहिए। बाबा कहे त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। इसीलिए संगम के साथ पुरुषोत्तम, शिव के साथ त्रिमूर्ति अक्षर जरूर लिखे और ब्रह्मा के साथ प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखे, क्योंकि बाबा कहे ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहां है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। विष्णु को तो दिखाते हैं कि ब्रह्मा के नाभि से निकला, तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बाबा कहे सारा चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं, जब बट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहाचारी बैठती है। बाबा तो जवहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्म के हिसाब से ये निकाल सकते हैं, 84 जन्मों के हिसाब से ये निकाल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है, फिर कहां हिले नहीं। बाबा माला बनाते थे तो कहीं हिले नहीं, फिर सुई से डाला जाता है। सिखाते बाबा कैसे बाबा माला बनाते थे, कहां ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़े,
यह तो बहुत बड़ी माया है। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिला है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर, भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को अर्थात लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? बल इस ज्ञान को सुनते भी है परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। यह भी ऐसे है, प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं, सो भी नंबरवार है ना। वह पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनास्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। बाबा कहे चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ, भले सारी डिनास्टी चलती है। यहां तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं कि कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, न उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है सतयुग का प्रिंस, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं है, गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी है सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते हैं। कहते हैं सतगुरु के बिगर गति नहीं, तो वह सतगुरु को छोड़कर गुरु के लिए कह देते कि गुरु बिगर गति नहीं। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें,
दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहां तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाप समझाते हैं, मैं गरीब निवास हूं, इसीलिए मैं आता ही भारत में हूं, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते हैं, है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते, बच्चे मैं इनके बहुत जन्म के अंत में आता हूं, इसमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूं, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैच पर भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैचेस। यह तो जीवदान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके, इसलिए बाबा कहते थे बड़े बड़े चित्र बनवाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए क्या करो, डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, तीन सर्विस करते हैं ना बाबा, पढ़ाई पढ़ाने की सर्विस करते हैं, संभालने की सर्विस करते हैं और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज बाप दादा का मधुर वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव, महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो, इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता है। घर में भी इसीलिए कोई एक समझदार होता है जो इकोनॉमी से सारा चलाते हैं घर। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया।
जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती, कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो हमें इकोनॉमी करनी है अपने सूक्ष्म खजानों की। आज का स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजानों से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अच्छा, ओम शांति।